ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं, वहां पर उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा। ये देखिए उनका काफिला किस तरीके से अब राष्ट्रपति भवन के द्वार पर पहुंच चुका है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। ये माना जा रहा है कि ये बेहद अहम दौरा, जिसमें आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ, जो बोरिस जॉनसन की अगुवाई के लिए दोनों यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही वो विशेष दल जो बोरिस जॉनसन के साथ पहुंचा है वो भी इस कतार में आप देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भव्य स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इंडो पैसिफिक टाइज पर भी चर्चा की जाएगी, किस तरीके से पहले भी बोरिस जॉनसन ने इस बात का जिक्र किया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ इस मुलाकात को बेहद अहम मानते हैं, क्योंकि चाहे रक्षा से जुड़ी वार्ता हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे दोनों देश के द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनको लेकर जॉनसन की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहद अहम मानी जा रही है। इसको लेकर बोरिस जॉनसन ने एक वक्तव्य भी जारी किया है, उन्होंने कहा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी टुडे इन न्यू दिल्ली। यानी कि आज की मुलाकात, जो कि कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे गुजरात पहुंचे थे बोरिस जॉनसन, वहां पर साबरमती आश्रम हो गए थे, चरखा काटा था और तमाम तस्वीरें वहां से उनसे जुड़ी हुई आई थी, लेकिन भारत ब्रिटेन कारोबार को लेकर इन दोनों की ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है। पूरा का पूरा कार्यक्रम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11:30 बजे ये मुलाकात तय हुई है, 10:30 बजे दिल्ली से लंदन प्रस्थान करेंगे, रात 10:30 बजे इनकी वापसी होनी है और सुबह लगभग 9:30 बजे राजघाट जाएंगे, जहां पर बापू को नमन करेंगे। और जितेंद्र बहादुर सिंह वहीं से हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वहां पर कितनी देर का कार्यक्रम ये रहने वाला है राजघाट का बोरिस जॉनसन का? देखिए नेहा, यहाँ 9:30 बजे के आसपास जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन राजघाट पहुंचेंगे और यहाँ करीब 10 से 15 मिनट का उनका कार्यक्रम है। यहाँ राजघाट पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी समाधि पर यहाँ वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक महत्वपूर्ण दौरा है और यहाँ पूरी तैयारी कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं राजघाट पर, चारों तरफ सुरक्षा के जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से यूक्रेन में इस वक्त युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इस आलोक में ये देखना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत के बीच में जो बातचीत ब्रिटेन के साथ होगी उसमें ये बताया जा रहा है कि व्यापारिक समझौतों को लेकर के बड़े स्तर पर यहां पर बातचीत होगी, साथ ही रक्षा जो समझौते हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो इस बातचीत में तमाम चीजों को लेकर के आगे का रोडमैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब ब्रिटेन से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के साथ 2030 का जो रोडमैप है उसको आगे बढ़ाना है। भारत भी इन तमाम चीजों को लेकर के काफी आश्वस्त है और इस बात को लेकर के यहां पर बैठक की जाएगी। यहां से जब राजघाट 9:30 बजे पहुंचेंगे उसके बाद यहां से वो सीधे 10:10 बजे पर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनसे उनकी मुलाकात होगी, फिर हैदराबाद हाउस में करीब 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होगी।